फ्रेंड, आज का वीडियो हमारे लिए काफी स्पेशल है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं गणपति बप्पा के लिए 5 किलो हलवा। 5 किलो हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 2 किलो सूजी और इसे लो फ्लेम पर 30 से 40 मिनट कंटिन्यू चलाते हुए इतना गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 लीटर रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे। सूजी को सबसे पहले बिना ऑयल का ही भूनना है, उसके बाद हम ऑयल के साथ भूनेंगे तो सूजी अच्छी तरह से भून जाएगा। और 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं सूजी अच्छी तरह से भून गया है। भुनी हुई सूजी को हम साइड में रख देंगे और दूसरे पैन में हम डालेंगे 6 से 7 बड़े चम्मच देसी घी और उसमें हम थोड़े से काजू, थोड़े से किशमिश और 1 घिसा हुआ ताजा नारियल को फ्राई कर लेंगे और सभी चीजों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे मेजरमेंट के साथ आपको ये हलवा बनाना बताएंगे। अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ड्राई फ्रूट और नारियल को हल्का सा भून लेने के बाद अब हम चढ़ाएंगे बड़ा बर्तन जिसमें हम 5 किलो हलवा बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2.5 किलो चीनी। 2 किलो सूजी के लिए हमने यहाँ 2.5 किलो चीनी और 10 लीटर पानी डाला है। प्रसाद के लिए हलवा अगर आप भी बना रहे हैं तो मेजरमेंट यही रखिएगा, आपका भी हलवा परफेक्ट बनकर रेडी होगा। हाई फ्लेम पर चीनी को अच्छी तरह से घुलने देंगे। इसी के साथ डाल देंगे 25 से 30 कूटी हुई इलायची और 10 से 15 लौंग। लौंग का स्वाद हलवे में बहुत टेस्टी आता है। और 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे 7 से 8 ड्रॉप जेल फूड कलर। हमने येलो कलर का यूज किया, आप किसी भी कलर का यूज कर सकते हैं। पानी में अच्छी तरह से उबाल आने के बाद इसमें भुनी हुई पूरी सूजी को हम डालते जाएंगे और एक हाथ से इसे मिक्स करते जाएंगे। हमारे हस्बैंड ने इसमें बहुत ज्यादा हेल्प किया है क्योंकि इतना हलवा बनाना मेरे अकेले के बस का तो नहीं था। सूजी डालने के बाद 1/2 लीटर देसी घी डाल देंगे, इससे हलवा बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल घी से भरा हुआ लगेगा। इसके साथ भुनी हुई ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट को भी डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें से बचा लेंगे जिससे हम ऊपर से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब हाई फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सूजी कितना खिला खिला हो गया है। हलवा परफेक्ट बन के रेडी है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। हलवे में टेस्ट लाने के लिए हमने 1/2 लीटर देसी घी और ऐड किया है। आप चाहे तो इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं क्योंकि हलवा कोई भी हो घी के बगैर तो पूरी तरह से अधूरा है। तो आप सभी लोगों को हलवा देखकर कैसा लग रहा है? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बार तेज से बोल दीजिए गणपति बप्पा मोरिया।